कोरिया जिले में जमीन मामले में घोर लापरवाही करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी। सरगुजा संभाग आयुक्त ने पहले बैकुंठपुर तत्कालिक तहसीलदार को निलंबित किया, उसके बाद बैकुंठपुर एसडीएम ने भी कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया। अनुभागीय अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि बैकुंठपुर के खसरा नंबर 225/2 से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले में जांच करवाया गया। इस मामले में दोषी पाए जाने पर तात्कालिक तहसीलदार और पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। मामला बैकुंठपुर के ग्राम चेर से संबंधित है, जहां खसरा नंबर 225/2 छोटे बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि के विषय में समाचार पत्रों व जन चौपाल में शिकायत प्राप्त होने पर जिले के कलेक्टर ने अपर कलेक्टर से जांच करवाई थी। जांच प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों और दस्तावेज के आधार पर तात्कालिक तहसीलदार बैकुंठपुर मनहरण राठिया और पटवारी मोहम्मद सरबीर हल्का नंबर 10 को दोषी पाया गया। मामले में दोनों को निलंबित कर दिया गया है। बेसिकली बैकुंठपुर में ग्राम पंचायत चेयर में शासकीय भूमि जो कि छोटे बड़े झाड़ के जंगल थे, उसके संबंध में हमें जनचौपाल के माध्यम से प्लस हमारे अन्य माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि उसमें कुछ गलत उसमें इशू हुआ है, उसमें कुछ कार्रवाई करने की हमसे अपेक्षा की जा रही थी। उसके बाद हमें जाँच उसमें करवाई अपना जिला स्तर पर एडीएम सर के माध्यम से। उसमें बेसिकली ये आया है कि उसमें वास्तव में जो शासकीय मत की भूमि थी छोटे बड़े झाड़ के जंगल, तो उसके साथ हेराफेरी हुई है। तो उसके बाद हमने एक रिपोर्ट बना के विस्तृत हमने कमिश्नर कार्यालय को भेजी थी और वहाँ से फिर तहसीलदार के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है और उसमें जो संलिप्त पटवारी थे उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हुई है और तत्काल ही इसमें आरोप पत्र बना के संबंधित को जारी किया जाएगा। उसके बाद आगे कार्रवाई जो होगी उसमें की जाएगी।